हाँ तो भाई, ऑसिलेशंस वेव्स एंड ऑप्टिक्स में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, स्प्रिंग कनेक्टेड टू अ सिलेंडर डूइंग प्योर रोलिंग। हमारे पास क्या है, सिंपली एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये एक सिलेंडर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, सिलेंडर से। ठीक है, सिलेंडर की आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है, इसका रेडियस दे रखा है आर और मास दे रखा है एम। मास दे रखा है एम, और आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज सफिशियंट, फ्रिक्शन इज सफिशियंट फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, हमने क्या करा ना, इस सिलेंडर को यहाँ से थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करेंगे और एक्स डिस्प्लेस करके इसको छोड़ देंगे। तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। जैसे ही मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, तो ये स्प्रिंग वापस पे इधर की तरफ फोर्स लगाई, कितना, के एक्स। ये के एक्स फोर्स लगा रही है इसके सेंटर पर, किधर, इसके सेंटर पर। जब ऐसा होगा तो क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है, तो ये क्या चाहेगा, ये वापस इधर ना जाए, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। तो ध्यान से देखना, इसको छोड़ते ही, इसको जस्ट छोड़ते ही फ्रिक्शन ऐसे लगने लग गया, इसकी वैल्यू हो गई मान लो एफ। तो क्या होगा, आप जरा सेंटर के अबाउट सोचें, सेंटर के अबाउट ये वाला फोर्स तो सेंटर से ही पास कर गया, तो इस पे कोई टॉर्क नहीं लगाएगा, जबकि ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये इस पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, ऐसे करके सेंटर के अबाउट, और ये ऐसे ऐसे करके रोटेट करने लग जाएगा। इसका मतलब ये इस स्फेयर को, सॉरी, इस सिलेंडर को इधर की तरफ एक ओमेगा और एक अल्फा दे देगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, ये वापस सिलेंडर रोल करता हुआ, प्योर रोल करता हुआ इधर मेन पोजीशन तरफ आएगा, फिर थोड़ा इनर्शिया की वजह से ऐसे, और ऐसे ऐसे करके ये रोल करता हुआ, ट्रांसलेट करता हुआ ऑसिलेशंस करेगा। अब हमको क्या करना है, इस पूरी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है, ठीक है, करते हैं। देखो ध्यान से, मैं क्या करूं, इस पे वही पहले की तरीके से रिस्टोरिंग फोर्सेस लिख लेते हैं, और रिस्टोरिंग फोर्सेस को अगर माइनस के एक्स वाली फॉर्म में ले आए, तो उसमें जो के होगा, टी इज इक्वल टू 2π/10 / k में पुट कर देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा इजिली। ठीक है, तो अपने को एफ नेट लिखना है, रिस्टोरिंग, एफ रिस्टोरिंग कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स, एक तो ये वाला फोर्स और ये की फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ। बात समझ में आ रही है, अभी फ्रिक्शनल फोर्स की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूं कितनी लग रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली लगाते हैं सेंटर के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, लगा लेते हैं टॉर्क, टॉर्क तो टॉर्क लिखा देने देते हैं, और टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आई अल्फा। तो टॉर्क की जगह पर क्या आ जाएगा, एफ इंटू में इसकी जितनी रेडियस है आर, एफ आर, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ इज इक्वल टू आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सिलेंडर का, इस वाली एक्सिस के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो सिंपली क्या लिख देंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, इंटू अल्फा। अब क्योंकि ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, इसलिए मैं इसके आगे एक माइनस साइन लगा लेता हूँ, अल्फा नेगेटिव है, जिससे पता चल जाए साफ साफ, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे एफ की वैल्यू आ जाती है माइनस एम आर अल्फा बाई टू। बात समझ में आ रही है, अब क्योंकि प्योर रोल कर रहा है, तो आपको पता है जब प्योर रोलिंग होती है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना होता है, आर अल्फा, फिक्स सरफेस पर। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आर अल्फा को लिख सकता हूँ मैं ए, ठीक है, हो जाएगा माइनस एम ए बाई टू। ठीक है, अब ध्यान से वापस इक्वेशन को लिख लेते हैं, एफ रिस्टोरिंग इधर मतलब जितना नेट फोर्स लग रहा है वो एम ए के भी इक्वल है ऑब्वियसली, तो मैं उसको लिख सकता हूँ एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस एफ, और एफ की वैल्यू अभी भी निकाल ली कितनी, माइनस एम ए बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, इसको और इसको इधर लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री एम ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो हमारे ये इससे एक्सेलरेशन कितना जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस टू के बाई थ्री एम इंटू एक्स। मेरी बात समझ में आ गई, अब ध्यान सुनना, इसको कंपेयर कर लेते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2k/3m। ठीक है, तो सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 2k/3m। अच्छा, ये कौन सी वाली ओमेगा है, पहली बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ये ओमेगा और ये ओमेगा अलग है, ये ओमेगा इस सिलेंडर की घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है, जबकि ये वाली ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है, तो ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, यानी कि टी इज इक्वल टू 2π√3m/2k। तो यहां से हमने इजिली इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया। मेरी बात समझ में आ गई, अब देखो ये तो था इसका फर्स्ट मेथड, मैं आपको इसके बाद इसका एक और मेथड सिखाने वाला हूँ, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं एनर्जी मेथड। क्या बोलते हैं, एनर्जी मेथड। उस मेथड के अंदर बेसिकली हमको क्या करना है, हमें कुल मिला के पता है कि क्योंकि कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है,
कुल मिला के हम ऐसा मान सकते हैं कि जब, अच्छा दूसरी बात, अब आपको ऐसा लगे जब मैंने ऐसा बोला क्योंकि ऐसे डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, आपको लगे फ्रिक्शन तो है यहाँ पर, फ्रिक्शन तो नेगेटिव वर्क करता है, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है। आपको ये बात पता होना चाहिए, जब भी प्योर रोलिंग होती है फिक्स सर्फेस पर, प्योर रोलिंग होती है फिक्स सर्फेस पर, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन होता है जीरो। कितना? जीरो। तो आप एक चीज अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लें कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स सर्फेस इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव वर्क नहीं हो रहा, कोई एनर्जी का डिसिपेशन नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूँ? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में दोनों लिखनी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में जितनी भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी लिखेंगे। इन सब का सम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा या नहीं होगा? होगा भाई। तो हम इसी मेथड का यूज कर इस टाइम पीरियड को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। ठीक है, तब तक आप ये नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अपना ये एनर्जी मेथड क्या कहता है? एनर्जी मेथड में सिंपली ये है कि मेरे को जब मैंने इसको एक्स खींच दिया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और मान लेते हैं इसके सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है वी रफ्तार के साथ। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है? इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, इन दोनों का सम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लेकिन किस किस की? पूरे सिस्टम की लिखनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान सोचना। काइनेटिक एनर्जी इस सिलेंडर की क्या हो जाएगी? इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी है, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी आपको कंसिडर मत करो, अगर करना है तो इसके सेंटर ऑफ मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर लो, बस एम जी एच कर ली, कोई एम जी आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या होगा? साथ की साथ में स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये भी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर, और इन सब का सम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी को तो बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? अगले स्टेप में इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, ध्यान सुनना। इसको लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू वी डी वी बाई डी टी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा पहले मैं आई की वैल्यू रख लूं, इसकी कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है इसकी? एम आर स्क्वायर बाई टू। और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान सोचना ये क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद मेरे को इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, ध्यान सुनो ये क्या है, वन अपॉन टू इंटू टू, यानी कि वन अपॉन फोर एम वी स्क्वायर। तो इस सबको इरेज करके मैं वन अपॉन फोर एम वी स्क्वायर लिख देता हूँ, और उस वन अपॉन फोर एम वी स्क्वायर का भी मेरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या आ जाएगा? वन अपॉन फोर एम टू वी डी वी बाई डी टी। मेरी बात समझ में आ गई? अब एम जी आर, अब एम जी आर सब कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना? जीरो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि हाफ के टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। इधर कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान सोचना, डी वी अपॉन डी टी को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए, और ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो एम वी ए। अच्छा इधर देखो, ये टू से टू कैंसिल आउट होगा एक, है ना, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर? अच्छा डी वाई डी टी को फिर से ए, तो एम वी ए बाई टू, अच्छा प्लस जीरो, और ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या? के एक्स वी, डी एक्स वाई डी टी को वी लिख दिया, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख देते हैं अपन, थ्री एम वी ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस के एक्स वी, माइनस के वी एक्स लिख दिया। ठीक है, अच्छा वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल टू माइनस टू के अपॉन थ्री एम इंटू एक्स। तो वापस से ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपली हमने इससे भी ओमेगा की वही वैल्यू निकाल ली ना जो पुरानी वाली आई थी, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अपने पास अंडर रूट ऑफ टू के अपॉन थ्री एम, यानी कि टाइम पीरियड आ गया टू पाई अंडर रूट थ्री एम अपॉन टू के। तो सिंपल सी आपको एक बात समझ में आई कि जब हमने एनर्जी मेथड किया तो सिंपली क्या है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो सिस्टम की, सबका सम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, हर बार ऐसा ही होगा, डिफरेंशिएट करा सारी की सारी एनर्जीज लिखी, डिफरेंशिएट करोगे, फाइनली ए और एक्स में एक रिलेशन मिल जाएगा। जैसे रिलेशन मिला तो तुरंत आप ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर ओमेगा आ जाएगी, फिर टाइम पीरियड निकाल ही सकते हो। तो बात समझ में आई? तो ये जो एनर्जी मेथड है ये मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से कर सकते हैं, हमेशा जो आपने नॉर्मली सीखा रिस्टोरिंग फोर्सेस लिख के उससे आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनर्जी मेथड जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको भी इजी कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या है अगला टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग।
कहने को मतलब बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली मैं इसको पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी जब मैं मास वाली स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड लिखना चाहूंगा। क्योंकि अभी तक आपने क्या देखा है, जितनी भी हमने स्प्रिंग्स मानी थी सब की सब मासलेस कंसिडर करी थी। अब बात आती है अगर उसकी जगह मास वाली स्प्रिंग आ जाए तो फिर टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब उसे पढ़ने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ध्यान सुनना, मैंने आपसे बोला मान लो कि आपके पास एक स्प्रिंग है, क्या है स्प्रिंग, उस स्प्रिंग की लेंथ है एल और स्प्रिंग कांस्टेंट है के। मान लो मैंने इस स्प्रिंग को दो बराबर बराबर हिस्सों में काट दिया, काट दिया कोई दिक्कत नहीं है, एल बाई टू और एल बाई टू। तो ध्यान से सोच के बताना, ये जो छोटा वाला कटा हुआ हिस्सा है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इससे ज्यादा होगा या कम होगा, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इसका इससे ज्यादा होगा या कम होगा, ये आपको सोचना है। सिंपल सी बात है ना, आपने ऐसा नॉर्मली फील किया होगा कि जितनी छोटे साइज की स्प्रिंग होगी, अगर मैं बड़ी स्प्रिंग है उसमें से आधे आधे दो हिस्से कर दूं, तो अगर छोटी स्प्रिंग हो गई तो वो ज्यादा तगड़ा रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है उतने ही एक्सटेंशन या कंप्रेशन के लिए। ये बात समझ में आती है, इसका मतलब क्या है कि द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। लेंथ भी कौन सी, नेचुरल लेंथ, लेंथ भी कौन सी, नेचुरल लेंथ। मतलब ऐसा नहीं करने का है पता पड़ी कि ऐसे तो भाई कंप्रेशन जब एक्सटेंशन होता के बदलता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जब आप नेचुरल लेंथ जो है अगर उस स्प्रिंग की अगर वो कम हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब आपको क्या याद रखना है कि के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जैसे ही मैंने ये आधे आधे टुकड़े करे, लेंथ करी हाफ, तो ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हो जाएंगे डबल, ये भी टू के और ये भी टू के। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसा कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ खास बात नहीं है, आ जाए तो हो सकता है आपको क्वेश्चन के बीच में जरूरत पड़ने लगे, तो समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो एक हमारे पास इलस्ट्रेशन लेते हैं क्वेश्चन के तौर पर, हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, लेंथ एल है। अब इसको क्या करा, इसको तीन हिस्सों में काट दिया, तीन हिस्सों में काटा इन द रेशियो 1:2:2:2, 1:2:2:2। और फिर बोला गया जो दो सेम पार्ट थे, जो दो सेम लेंथ के पार्ट थे उनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में। और इस पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन के साथ जो एक अलग लेंथ की जो स्प्रिंग है उसको कनेक्ट कर दिया सीरीज में, किसमें, सीरीज में, किससे, एक मास एम से। फिर आपको बताना है कि जो भी सिस्टम बनेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा। सिस्टम दिखने में कैसा लगेगा, ध्यान सुनना, सिस्टम दिखने में ऐसा लगेगा, ये पैरेलल पैरेलल, और फिर उसके साथ में इन दोनों के साथ में क्या करा, एक को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और फिर इससे एक मास एम लटका दिया गया। तो आपको क्या करना है, अब इसका जैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो आपको इफेक्टिव के पता होना चाहिए इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट इफेक्टिव। उसके लिए मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो पहले ये पता चल जाए बस इन हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है। ध्यान सुनना, ये ऐसा मान लो 1:2:2 है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि एल की डिवाइड करी गई थी, तो ये वाली जो है हमारी मतलब कि उसका 1/5 पोर्शन, तो पहली वाली है यानी कि एल बाई फाइव, दूसरी वाली है 2L/5 और तीसरी वाली भी 2L/5 लंबाई की है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब इसका मैंने लेंथ 1/5 कर दी तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 5K, कितना 5K। जबकि ये दोनों की लेंथ मैंने 2/5 टाइम्स कर दी है तो इनका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा 5/2 टाइम्स। ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो 5/2K और 5/2K इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब मास एम के लिए के इफेक्ट, इसका अब आप सिस्टम का के इफेक्टिव निकाल सकते हो, कैसे, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाते हैं K1 + K2, तो 5/2K + 5/2K इज इक्वल टू 5K। अब 5K वाले के साथ ये 5K किसमें, सीरीज में, तो 5K और 5K अगर सीरीज में रख दी जाए तो क्या हो जाएगा 5K/2। तो टाइम पीरियड क्या जाएगा सिस्टम का, के इफेक्ट, उससे पहले के इफेक्टिव देख लूं, के इफेक्टिव हो गया 5K/2, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2π√ एम बाई के, यानी कि एम बाई 5K, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये टाइम पीरियड आ गया हमारे पास सिस्टम का। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है कि स्प्रिंग को कट करने पर उसकी अगर नेचुरल लेंथ से हम छेड़छाड़ कर दें तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम आगे देखते हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे जब एक ब्लॉक अटैच्ड है एक स्प्रिंग से, अब उस स्प्रिंग का भी मास है कुछ, तब उसका कैसे निकालेंगे हम लोग टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है, तो आप इधर ये नोट करो फिर हम आगे बढ़े। हाँ, तो भाई अब हम लोग आते हैं ब्लॉक कनेक्टेड हुआ स्प्रिंग हैविंग मास एम एस। अब क्या स्प्रिंग का भी मास है, ठीक है, चलो करते हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये ब्लॉक मास एम, स्प्रिंग का इस बार आपको मास दे रखा है एम एस, और इसका अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट वही के है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, यही ब्लॉक फिर से ऑसिलेट करेगा और आपके इसको ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड बताना है। तो वही सेम करेंगे, इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया मान लो इसकी मेन पोजीशन से, ठीक है। तो अब क्या है, मान लो ये किसी जगह पर यहाँ पर आ गया है मास एम, ठीक है। और हम ये करने जा रहे हैं एनर्जी मेथड से, किससे, एनर्जी मेथड से। जब एनर्जी मेथड से कर रहे हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। अब ध्यान सुनना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, क्या ये रोटेट वोटेट कर रहा है, नहीं, सिंपली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। मान लेते इस ब्लॉक की रफ्तार है इस समय v, कितनी v। अब चक्कर ये है ना कि आप सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की नहीं लिखोगे, पूरे सिस्टम की लिखनी है। क्यों, क्योंकि इस बार इस स्प्रिंग के पास भी मास है तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी, लिखी जाएगी या नहीं, ठीक है। तो अब मेरा सबसे पहला टास्क है कि मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकाल पाऊं। अब वो कैसे निकालूंगा, मेरे को स्प्रिंग के हर एक छोटे छोटे पोर्शन की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी रफ्तार है v, इसकी रफ्तार है v, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मान लेते हैं कि मैंने इसको जब x डिस्प्लेस करके छोड़ा था, इसकी रफ्तार v हो गई, तो इस वाले पॉइंट की रफ्तार कितनी होगी, जीरो, ठीक है। मतलब कि x इज इक्वल टू जीरो वाले x की जगह मैं y बोल लेता हूं, जैसे कि इस वाले x मीन पोजीशन से और यहां वाली दूरी में आप कंफ्यूज ना हो। मैं मान लेता हूं यहां से किसी पार्टिकल की जो दूरी है वो है y, क्या है y, मैंने y पे जाके dy का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, dy लेंथ का। इस छोटे से स्प्रिंग के एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, dm। उस dm को मैं क्या लिख दूंगा, l लेंथ की स्प्रिंग है उसका मास है m, ms। तो dy लेंथ की का कितना हो जाएगा, ms by l into dy। तो dm की वैल्यू आ गई ms by l into dy, ठीक है। अब इसकी कुछ रफ्तार होगी, मान लेते हैं v डैश, कितनी v डैश। अब मेरे को v डैश लिखनी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो l दूरी पर पार्टिकल है, जो l दूरी पर पार्टिकल है उसकी रफ्तार है मान लो v, कितनी v। अब ये क्योंकि स्प्रिंग खिंच गई पूरी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या निकालना, किसी y दूरी पर जो पार्टिकल है उसकी रफ्तार कितनी है, ठीक है। तो इस v डैश को हम लोग लिख देते हैं, v डैश इज इक्वल टू v अपॉन l इंटू y, v अपॉन l इंटू y, जैसे ये लिखा है ऐसे ये लिख दिया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक्चुअली ये कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वो कैसे आता है ये मैं आपके ऊपर एक बार खुद ट्राई करने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सॉल्यूशन इसका जानना है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको उसका बता दूंगा क्या एक्चुअली रीजन है। तो वी डैश इज इक्वल टू वी अपॉन एल इंटू वाई आ गया। तो अब मैं इसका यूज करके इस छोटे से मास डीएम का, इस छोटे से मास डीएम की काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। छोटी सी काइनेटिक एनर्जी डी के क्या हो जाएगी, डी के इज इक्वल टू हाफ डीएम वी डैश स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाफ डीएम की वैल्यू एम एस बाई एल इंटू डी वाई, और वी डैश कितना है, वी स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, तो अगर मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी के ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ एम एस बाई एल, और ये वी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा और ये एल स्क्वायर भी बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल क्यूब। इधर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, जीरो से एल तक, जीरो से एल तक। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये इट विल कम आउट वाई क्यूब बाई थ्री, यानी कि एल क्यूब बाई थ्री। एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया वन अपॉन सिक्स एम एस वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई स्प्रिंग की। अब क्या, सिंपली लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखेंगे वन अपॉन सिक्स एम एस वी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक लिखेंगे वन अपॉन टू एम, एम कैपिटल है, इंटू वी स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वन अपॉन सिक्स एम एस टू वी डी वी बाई डी टी, टू वी डी वी बाई डी टी प्लस वन अपॉन टू एम टू वी डी वी बाई डी टी, इसको हटा देते हैं यहां से, प्लस वन अपॉन टू के टू एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री, तो एम एस वी बाई थ्री डी वाई डी टी की जगह ए लिख दिया, प्लस ये और ये कैंसिल आउट एम वी ए प्लस ये और ये कैंसिल आउट के एक्स वी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से वी कॉमन आउट आकर कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास एम प्लस एम एस
बाई थ्री इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम प्लस एम एस बाई थ्री इंटू एक्स। ये बात समझ में आ गई। तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर आ गया तो टाइम पीरियड निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम प्लस एम एस बाई थ्री इंटू के अपॉन के, सॉरी। तो आपको क्या है ना, ये रिजल्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। आपको तरीका तो आना ही चाहिए पूरा करने का, क्योंकि एनर्जी है कंजर्व के लिए, हमने उससे पूरा निकाला ये। पर आपको ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम प्लस एम एस बाई थ्री करेंगे अपॉन में के। जब आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं सर टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का, तो वहां पर जो हमारी स्प्रिंग होती है, वैसे आइडियल स्प्रिंग तो होती नहीं जिसका मास ही नहीं हो। तो वहां पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले स्प्रिंग का वजन तोलते हैं। स्प्रिंग का वजन तोलकर हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला है उसमें एम इस ब्लॉक का तो एज इट इज रख देना है, बस जो स्प्रिंग का मास है उसे डिवाइड बाई थ्री करके जब पुट कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो लोग मैकेनिक्स वाले हों फर्स्ट ईयर में, हो सकता है एक्सपेरिमेंट करा हो ये, ठीक है। तो हमारे पास ये स्प्रिंग वाला भी हो गया है खत्म। तो अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन वगैरह देखते हैं इसके, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पर हम क्या एनर्जी मेथड की मदद से इसका टाइम पीरियड निकालेंगे सिस्टम का। कैसे, आपको क्या दे रखा क्वेश्चन में, आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, ये जो पुली है ये वही आपको मासलेस फ्रिक्शनलेस कंसिडर करना है। अब इसके साथ में यहाँ पर ये एक पाइवट है, पाइवट से एक रिंग अटैच्ड है। रिंग कैसी है, ऐसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, रिंग की रेडियस ए है, मास एम है, और आपको ये गिवन है कि जब रिंग हॉरिजॉन्टल है तब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे सिस्टम का, अब सोचो हम क्या करें, जैसे ही इस रिंग को थोड़ा छोड़ेंगे, इस रिंग को आप थोड़ा छोड़ोगे, थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, तो ये वापस से ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगी, ये स्प्रिंग भी इस पे अपना इस स्प्रिंग फोर्स पास कराएगी। तो कुल मिला के इस पूरे सिस्टम के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। वो हम करेंगे एनर्जी मेथड की मदद से। एनर्जी मेथड कैसे लगाना है देखो, ध्यान सुनना। सबसे पहले तो मैं एक काम करूं, जैसे हम पहले करते थे इक्विलिब्रियम पोजीशन तो निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। जब ये रिंग ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास पर ऐसे करके एम जी लग रहा है। मान लेते हैं जब ये ऐसे है तो ये जो स्प्रिंग है ये एक्स नॉट खिंची हुई है। कितनी खिंची हुई है, एक्स नॉट। अगर ऐसा है कि ये एक्स नॉट खिंची हुई है तो जरूर ये स्प्रिंग ऐसे करके के एक्स नॉट फोर्स लगा रही होगी इस पर, ठीक है। जब ऐसे के एक्स नॉट फोर्स लगाएगी तो ध्यान सुनना मैं क्या करूं, जब ये इक्विलिब्रियम में होगी तो इस पर नेट टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और जब ऐसा है तो मैं ये लिख सकता हूं, इस पॉइंट के में टॉर्क कैलकुलेट करूं, इस एम जी का टॉर्क ऐसे और इस के एक्स नॉट का टॉर्क ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। एम जी का टॉर्क कितना हो जाएगा, एम जी इंटू ए, और इसके एक्स नॉट का टॉर्क के एक्स नॉट इंटू टू ए। ये ए से ए गया तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिलेशन आ जाता है कि एम जी इज इक्वल टू टू के एक्स नॉट। अगर मेरे को आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो हम ये यूज में ले लेंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मान लो ई से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट रहेगी। अब टोटल एनर्जी कैसे निकाल ले, मान लेते हैं थोड़ी देर बाद ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो रिंग है, ये थीटा एंगल मूव कर गई। कितना मूव कर गई, थीटा नॉट। थीटा, जब ये थीटा मूव कर जाएगी, ध्यान सुनना, तो पक्की बात है ये स्प्रिंग और खिंच जाएगी। मान लेते हैं स्प्रिंग एक्स और खिंच गई, कितनी और खिंच गई, एक्स। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम लोग हाफ के, पहले से एक्स नॉट खिंची हुई थी अब एक्स और खिंच गई, तो हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी होगी। ध्यान सुनना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है ना, जब ये रिंग नीचे आएगी तो इसका सेंटर ऑफ मास बेसिकली इतना नीचे आ गया, क्योंकि हम थीटा बहुत स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए ध्यान सुनना, मैं ऐसा मान सकता हूँ ये बहुत छोटी सी आर्क बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये एंगल है थीटा, ये है ए, तो ये कितना हो जाएगा, ए थीटा। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास मैं ऐसा मान सकता हूँ कि वर्टिकली ए थीटा नीचे आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज कितना हुआ है, माइनस एम जी, और एच कितना डिक्रीज हुआ, ए थीटा, तो माइनस एम जी ए थीटा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जब ये थीटा ऐसे नीचे आया है तो ये थीटा ऐसे घूमा होगा, तभी तो ऐसा हुआ है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा हुआ है तो ध्यान सुनना, जब ये थीटा ऐसे नीचे आया, ये थीटा पूरी पूरी घूमी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट जो इससे कनेक्टेड था रिंग से, वो कितने नीचे आया होगा, वो 2a रेडियस के सर्कल में घुमा होगा, ठीक है। वो 2a रेडियस के सर्कल में घुमा होगा, कितना, एंगल थीटा, तो वो कितना नीचे आ गया, 2a थीटा।
इसका मतलब कि स्प्रिंग इतनी और एक्सटेंड हो गई होगी, खिंच गई होगी, तो इसका मतलब कि ये जो एक्स की वैल्यू है, दिस एक्स इज टू ए थीटा, ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो हमने क्या करा, इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली और इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख ली। काइनेटिक एनर्जी कहाँ लिख, अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, वो कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड दिस ऑल इज कॉन्स्टेंट। अब यहां पर ओमेगा क्या है, वो वाला ओमेगा, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, बात समझ में आ रही है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई उस पाइवट के अबाउट रोटेट करने की। ठीक है, अब अपन ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करके। उससे पहले मैं ये पुट कर लेता हूं एक बार, हाफ के एक्स नॉट प्लस टू ए थीटा का होल स्क्वायर माइनस एम जी ए थीटा प्लस हाफ आई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का किस पॉइंट के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट। अच्छा है क्या, हमारी रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, अब वो वहां से पाइवेटेड है इस पॉइंट से, मान लेते हैं इस पॉइंट से पाइवेटेड है और ऐसे ऐसे करके रोटेट कर ऐसे नीचे गई है, तो इस पॉइंट के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना इस वाली एक्सिस के अबाउट, और ये एक्सिस कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई, इसकी सेंटर से पास करती हुई डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का, हाफ एम आर स्क्वायर। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम की लगा सकते हैं, कैसे हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आई सी यू एम प्लस एम डी स्क्वायर, यानी कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इज इक्वल टू, मैं कहीं और कैलकुलेट कर लेता हूं, I इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। तो ये कुल मिला के कितना हो गया फिर हमारे पास, ये हो गया 3/2 एम ए स्क्वायर। तो यहां पे लिख लेते हैं अपन 3/2 एम ए स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर है यहां पर, तो इसको ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर रहने देते हैं, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, हाफ के, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले एज इट इज, इसको टू को आगे ले आते हैं, टू एक्स नॉट प्लस टू ए थीटा, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स नॉट इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन जीरो, फिर टू ए थीटा का क्या हो जाएगा, टू ए डी थीटा बाई डी टी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में माइनस एम जी ए डी थीटा बाई डी टी प्लस 3/4 एम ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये गया, इसके बाद में भी ना देखो तुम ये सारा करोगे तो डी थीटा बाई डी टी इसमें से आ रहा है कॉमन, इसमें से आ रहा है डी थीटा बाई डी टी कॉमन, और इसमें से ओमेगा कॉमन आ रहा है, ओमेगा भी तो डी थीटा बाई डी टी है, तो कॉमन आकर ये सब कट जाएगा, कौन कौन सा, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी और ओमेगा, ठीक है। और ऐसे ही देखते हैं और क्या क्या कट सकते हैं, ये ए ए और ये ए चला जाएगा एक, ठीक है। तो अब बचे कुछ को लिख लेते हैं, यहाँ पे टू बच रहा है, के बच रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा टू के एक्स नॉट प्लस फोर के ए थीटा, और इसको लिखेंगे ये क्या आएगा, माइनस एम जी, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे ये क्या आएगा, 3/4 एम, अच्छा ये एक टू से एक टू टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 3/2 एम ए डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है, देखो करते हैं आगे। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये रिलेशन आया था, एम जी इज इक्वल टू टू के एक्स नॉट, तो यहाँ से ये टू के एक्स नॉट और एम जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनली, कि डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर के ए थीटा अपॉन में 3/2 एम ए, ए से एक और एक गया था, अब फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस 8/3 के बाई एम इंटू थीटा। तो मेरे पास ये फाइनली क्या आ गया, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस समथिंग इंटू थीटा, और ये हमें पता है एंगुलर एसएचएम के लिए कंडीशन होती है, होती है नहीं होती, और इसमें हम इसको किसके कंपेयर करते थे, ओमेगा स्क्वायर से, पर फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये वाला ओमेगा और वो वाला ओमेगा अलग अलग है, ये वाला ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है पाइवट के अबाउट, जबकि ये वाला ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ये वाला ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 8 के बाई 3 एम, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई अंडर रूट 3 एम बाई 8 के। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था जो आपको ये दिखाता है कि आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लगने वाला क्वेश्चन भी इजिली इससे करा जा सकता है। आपने सिंपली क्या करा, सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जीज ही तो लिखी है, एनर्जीज लिखो, एनर्जी लिखने के बाद एक बार डिफरेंशिएशन करो, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसी कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, आज के लिए।